हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचिन शिपयार्ड शेयर के ऊपर। कोचिन शिपयार्ड के शेयर में आज हम लोगों को 0.5% का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक 0.5% की गिरावट के साथ 643 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो चलिए हम लोग चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। स्टॉक में हम लोगों को क्या चार्ट्स के ऊपर क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इससे पहले के डिस्कशन में जितने भी लोगों ने वीडियो को देखा होगा उनको पता होगा। वापस से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जो स्टॉक एक आपको काफ़ी अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे किया है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। स्टॉक इस पैटर्न को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से यहाँ पे स्टॉक प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन से एक हॉल्ट कर रहा है। प्रीवियस टू ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल का साइज बहुत बड़ा था और उसके बाद यहाँ पे टू ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक हॉल्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा स्टॉक इस रेसिस्टेंस के लेवल पे ब्रेकआउट का चांस उतना ही ज़्यादा हो जाएगा और इस स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है। स्टॉक में जो यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिलेगा वो 687 के लेवल के ऊपर ही इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिलेगा। 687 के लेवल पे ही स्टॉक में यहाँ पे दिसंबर मंथ में हाई लगाया था और उसके बाद से इस स्टॉक में हम लोग देखेंगे तो इसी लेवल पे आपको ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन के बाद एक अच्छा हम लोगों को गिरावट देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया और स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है वापस से सेम रेसिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक में 687 के लेवल के ऊपर ही तेजी देखने को मिलेगा। जब तक स्टॉक 687 के लेवल के ऊपर नहीं निकलता इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को नहीं मिलेगा। अब जितने भी लोगों ने नीचे के लेवल पे बाई किया हुआ है, सपोज अगर आपने 500, 550 या फिर 600 के लेवल पे भी बाई किया हुआ है तो आप ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं, आप एक अच्छे प्रॉफिट में हैं। अगर आप 600 पे भी एंट्री लिए हैं तो आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 6-7% के प्रॉफिट में हैं, तो आप यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश पोजीशन इस पर्टिकुलर लेवल पे रिकमेंडेड नहीं रहेगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। अगर हम लोग यहाँ पे आपको मंथली चार्ट के ऊपर भी स्विच करेंगे तो आपको क्लियरली देखने को मिलेगा जो ये एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसी लेवल से हम लोगों को एक अच्छा मंथली कैंडल में फॉल देखने को मिला था, वापस से सेम लेवल को टच कर रहा है। एक बार इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तभी अच्छा तेजी आएगा, नहीं तो यहाँ पे वापस से स्टॉक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है जिससे कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे वेट करना है, अभी आपको फ्रेश पोजिशन नहीं लेना है, ऑलरेडी पोजिशन है तो होल्ड करें। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।